आदम फ्रॉम एथलेटिक्स का जो चैनल। तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो अब इसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करना है आपने? फैक्टराइजेशन। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है जी ax2 + bx + c। तो आपको फैक्टराइजेशन का मेथड बताया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं रेनबो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो रेनबो मल्टीप्लिकेशन क्या है कि फर्स्ट को आपने लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बना जी? माइनस का 20x2। इसके बाद माइनस 20x2 के दो ऐसे फैक्टर्स मालूम करने हैं, इसको प्लस करके माइनस का x आ जाए। तो ऑब्वियस बात है 4 5s are 20, तो 5x और 4x इसके फैक्टर्स में, ठीक है। अब हमने देखना है माइनस एक्स आना चाहिए, तो 5 के साथ माइनस लगेगा और 4 के साथ प्लस लगेगा। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन, प्लस का 4x माइनस का 5x। तो ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से माइनस का 5 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 4 अगेन कॉमन आ गया, और यहाँ पे एक्स और 5 रह गया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 4 और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस 1। तो सॉल्यूशन सेट लिख देने माइनस 4 और 5। तो याद रखने, जब भी सॉल्व का वर्ड यूज़ कर रहा हो तो बेटा सॉल्यूशन सेट लगा सकते, ठीक है। तो ये है भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 9th क्लास में किया था। चैलेंज लेस सेकंड पार्ट, 3y² y (y-5). तो सबसे पहला स्टेप, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, y(y²-5y), ठीक हो गया। अब ये जो y²-5 है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 3y²-y² कितना बचा? 2y²+5y = 0। अब दो टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें हम सिंपल कॉमन निकालेंगे। तीन होता तो हमने रेनबो मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो क्या कॉमन आ रहा है? वाई कॉमन आ जाएगा, 2y+5 = 0। नाउ आइदर 5 = y = 0 or 2y+5 = 0। तो y की एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी वैल्यू -5 2 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ गया? 0 and -5/2 and this is your answer। कितने आसान से क्वेश्चन से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप आपने 17x² को लिखे जाना है राइट साइड पे, नेगेटिव हो गया, ये दोनों वैसे के वैसे ही हो गए। अब हमने नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई कर देना, 17x² + 32x - 4 = 0। अब हमारी ये स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। फर्स्ट को लास्ट से कितना बना? -68x² नहीं समझ आ रहा, फैक्टराइजेशन कर लो। 2 पे चला गया, अगेन 2 पे, अब ये 17 पे चला जाएगा। अब देखो ये 17 2 = 34 और 2, तो 34 में से 2 निकाल लो, कितना बचा? 30। तो फैक्टराइजेशन क्या होगी? प्लस का 34 माइनस का 2x, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। इन दोनों में से 17x कॉमन आ गया, x + 2, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 अगेन कॉमन, 17x - 2 बच गया, x + 2 = 0 आ गया और 17x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू 2/17 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया? -2 2/17।
ये है जी आंसर। ठीक है चलें अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में भी इसी तरह ही आपने सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड पे ले जाना है, माइनस का 152। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसी होगी, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 152 की नहीं समझ आ रही, 152 की फैक्टराइजेशन करें। 7 2 14, 3 2 6, 8 2 2, 1 2 19। तो ये देखेंगे क्या बन गया, 8 और 19। तो इसके फैक्टर्स बने माइनस का 19x और प्लस का 8x, x² - 19x प्लस 8x - 152 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ से x कॉमन आ गया x - 19, यहाँ से 8 कॉमन आ गया x - 19 अगेन कॉमन, x + 8। अब ना प्रोडक्ट दोनों का जीरो है, तो इट मीन्स या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई 19 और एक्स की एक वैल्यू आ गई -8। तो सॉल्यूशन सेट आ गया आपका 19 और -8। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट में। 5th पार्ट है, इसमें आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है जी, आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 12x और x + 1 ये एलसीएम आ जाएगी, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है। अब ये स्टेप मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ही स्टेप में सारे जो एलसीएम सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको मज़ीद स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्टेप में हमारे सारे एलसीएम आपकी फ्रैक्शंस ये ख़त्म, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ गया 12 x + 1 x + 1 होल का स्क्वायर हो गया, x + 1 कट गया, 12x × x 12x² 12 कैंसिल हो गया x × x + 1। तो अब इसको पहले एक्सपेंड करो, a² + 2ab + b² ये फॉर्मूला लगा दिया, 25x को मल्टीप्लाई, 25x² + 25x। अब 12x² + 24x + 12 + 12x, 25x² वाले एक्सप्रेशन और 25x को लेफ्ट साइड कर लिया, 12x² + 12x² तो ये कितना हो गया, 24x². कितना हो गया 24x² 24x² में से माइनस कर दें 25x, क्या बचता है, माइनस का x² 24x - 25 कितना बच गया, माइनस का x और बचा जी प्लस का 12। ये अब इक्वेशन बन गई, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कॉमन आ रहा है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपको पता है जी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 12 के क्या फैक्टर्स बने हैं कि 1 आ गए, 4 3 12 होते हैं, 4x और -3x, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, x + 4 × x - 3। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई, यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आ गई, तो x = -4 और x = 3, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड सच। ठीक है, तो ये है जी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन। Absolutely.
क्या करना है, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या है, एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स माइनस फोर, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप होगा और सारे एक्सप्रेशंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका एक स्टेप हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में सारे खत्म हो जाएंगे। x माइनस नाइन कट गया, टू इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल एक्स माइनस थ्री कट गया, एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर कट जाएगा, एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस का सेवन एक्स माइनस थ्री माइनस फोर प्लस का ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स कितना होगा, माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी सिक्स, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, जब माइनस आए बाहर तो ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का नाइन एक्स माइनस का ट्वेल्व एक्स और प्लस का थ्री का ट्वेंटी सेवन, टू को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये हो गया फोर्टीन, ये हो गया ट्वेंटी फोर, एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी सिक्स, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व एक्स माइनस का ट्वेंटी सेवन, इधर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये बचा जी ट्वेल्व एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व एक्स में से थर्टीन एक्स माइनस किया माइनस का एक्स, ट्वेंटी सेवन में से थर्टी सिक्स माइनस हो गए तो वो थर्टी सिक्स में से ट्वेंटी सिक्स निकाल दो, ये बचेगा जी आपका नाइन। अब ये सारे एक्सप्रेशंस लेफ्ट साइड पर ले आओ, तो ये हो जाएगा जी प्लस, ये हो जाएगा नाइन माइनस का टू एक्स के, वैसे फोर्टीन एक्स में से एक एक्स निकाल दिया थर्टीन एक्स, ट्वेंटी फोर में से नाइन निकाल दिया फिफ्टीन। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15, तो 15 और 2 ही फैक्टर्स आ जाएंगे, 15 टू द 30, देखते हैं जी 30 के फैक्टर्स के माइनस का 13 आ जाए, तो 2 पे चला गया जी आपका, 2 वन जै 2 3 पे आ गया। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स बनेंगे बेटा ये वाले 10 और 3, 2x क्या है माइनस का 10x माइनस का 3x, 15 और 2 नहीं बनेंगे क्योंकि ये 15 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस, हमारे पास 30x के पॉजिटिव वाला आना चाहिए, तो इसके आ जाएंगे जी माइनस का 3x हो गया। ठीक है, इसी वजह से ये बना, तो 2x कॉमन आ गया, x माइनस 5, 3 कॉमन x माइनस 5, x माइनस 5 अगेन कॉमन 2x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया, 2x माइनस 3 0 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 3 2 आ गई, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट 3 बाई 2 एंड 5, सो दैट इज योर स्माइलिंग आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा, रीडिंग स्क्वायर वाला, तो दुआ में याद रखिएगा।